दोस्तों ये जो है ये है Redmi Note 10 T 5G, Redmi ब्रांड की तरफ से पहला 5G फोन आया हुआ है। जी हाँ, आज इसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करेंगे। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल दूं, कुछ इंटरेस्टिंग बहुत करने वाले हैं इस फोन के साथ। कुछ चीजें आपको दिखाएंगे जो आप शायद दूसरे फोन के साथ इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा पूरा देखिए, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स। ऊपर लिखा हुआ है इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड एंड 5G रेडी हाई परफॉर्मेंस 7nm प्रोसेसर। यस, उसके बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन एंड केस, या टीपीयू क्लियर केस आती है, ठीक ठाक क्वालिटी है। दिस इज द फोन। ओके, इसके बारे में बताऊंगा आपको और क्या है। ऑलराइट, दिस इज 22.5 वाट का चार्जर। लेकिन याद रखिए दोस्तों, फोन जो है वो 18 वाट को सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर जो ब्रिक है वो आपको 22.5 वाट की मिलती है, एंड यूएसबी टाइप सी केबल। ऑलराइट, डन, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, रखते हैं सब कुछ साइड में दोस्तों, एंड लेट्स लुक एट द फोन। ओके, Redmi की ब्रांडिंग आती है, लुक एट दिस अंडरस्टेटेड डिजाइन में कहूंगा। Redmi 5G लिखा हुआ है इधर, दिस इज प्लास्टिक बैक है दोस्तों, लुक्स लाइक ग्लास दो, लुक एट दैट। चलिए केस डाल के देखते हैं। ओह नाइस, स्नगली फिट होती है दोस्तों, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अच्छी है, एंड ऊपर भी आई हुई है तो फेस डाउन भी गिरता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं टेस्ट। डांस किया इसने, वाओ, नहीं कुछ भी नहीं दोस्तों, एब्सोल्युटली नथिंग। वैसे आपको कह दूं कि स्क्रैच गार्ड जो है इट कम्स अलोंग विद दिस, यहां स्क्रैच गार्ड भी आता है, लेट्स रिमूव दैट। ओह स्टार्टेड, फोन चालू हो गया, नो प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, आवाज नहीं आया, वो टिक 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 आवाज आता है वो नहीं आया। दोस्तों इस फोन का इन हैंड फील भी अच्छा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है, इट इज राइट फिट आई विल से। वन हैंड जो यूसेज है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि बड़ी स्क्रीन है, बट ओवरऑल अच्छा है। इट्स नॉट वेरी वेटी एज वेल, मेरे हिसाब से अबाउट 185 ग्राम्स होगा। लेट्स फाइंड आउट, 185 ग्राम्स, रॉन्ग, 191 ग्राम्स है। ऑलराइट, बट इट इज गुड, इन हैंड फील अच्छा है। वैसे क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी माइक्रोफोन, ऊपर आपको 3.5 एमएम जैक मिलता है, साथ में आयर ब्लास्टर है, एंड दैट इज नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन आई थिंक सो, आई एम नॉट 100% श्योर, बट तीन होल्स है दोस्तों, आयर ब्लास्टर फॉर श्योर एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। राइट हैंड साइड में ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, अप एंड डाउन, एंड यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन विच डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों इसका जो सिम कार्ड ट्रे है ना, दैट इज ओके, ये एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। लुक एट दिस डिस्प्ले दोस्तों, सेंटर पंच होल है, 6.5 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आता है, 90 हर्ट्ज एडाप्टिव सिंक फास्ट रिफ्रेश रेट है, इसका मतलब जो आप काम कर रहे हो उस हिसाब से वो अडाप्ट करता है, सो फास्ट रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, एंड यस गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आता है। लेट्स लुक एट स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने बताया दोस्तों रेडमी का ये पहला 5G फोन है, इसमें डायमेंसिटी 700 ये प्रोसेसर आता है, एंड आई हैव यूज्ड इट, बहुत सारे फोन्स पे आया हुआ है, एंड इट इज अ वेरी वेरी केपेबल 5G प्रोसेसर इन दैट मिड रेंज बजट मिड रेंज सेगमेंट। जी हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, 7nm टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसमें दो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज एंड 6GB 128GB LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, विच इज गुड, मतलब रीड राइट स्पीड्स अच्छे हैं इसके। दोस्तों अगर वैसे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये जो है दोस्तों ये बहुत सिमिलर है पोको M3 प्रो 5G के साथ, 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 18W फास्ट चार्जिंग, 22.5W का ब्रिक है लेकिन 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और 5000 mAh बैटरी दोस्तों रियली गुड, इट विल डेफिनेटली लास्ट यू थ्रू द डे, आराम से मॉडरेटली हाई यूसेज में भी आपको लास्ट हो जाएगी एक दिन के लिए। ओएस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, MIUI 12 आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11, जी हां, एंड लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, एंड इंटरेस्टिंग फीचर आता है दोस्तों, ये जो फोन है मल्टीपल वर्चुअल असिस्टेंट्स को सपोर्ट करता है, थोड़ा खेलने वाले हैं इसके साथ, बट दैट इन जस्ट अ बिट,
रुक जाइए उसके लिए, उसके पहले कैमरा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर कैमरा के बारे में बात करूं, पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, 48-22 जी हाँ, और जो सेल्फी सेंसर है दोस्तों, जी हाँ, सेंटर पंच होल बिंदी नॉच में आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। दोस्तों फोटोज दिखा रहा हूं, अभी अभी हमने खोला हुआ है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ फोटोज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। नॉर्मल डे लाइट कंडीशंस में फोटो जो है अच्छे आते हैं, नो प्रॉब्लम्स, वी हैव नॉट टेस्टेड इन लो लाइट कंडीशंस। ये जो फोटोज आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप जरूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगे। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो डायमेंसिटी 700 है दोस्तों, अच्छा प्रोसेसर है एज फार एज गेमिंग गोज, स्पेशली अगर आप मीडियम सेटिंग, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे खेलते हो, आपको मजा आएगा, लॉन्ग सेशंस आप आराम से खेल पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एंड पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, उसकी वजह से भी ये जो फोन है अच्छा है, सो बैटरी विल आल्सो लास्ट लॉन्गर इवन विद लॉन्गर गेमिंग सेशन। और एक चीज दोस्तों, यूएफएस 2.2 होने की वजह से जो ऐप लोडिंग टाइम्स है ये सब जो है बहुत फास्ट है इसके अंदर, सो ऐप ओपन करना है, कुछ सेव वगैरह करना है, इट हैपेंस क्विकली। ऑन पेपर अगर मैं कहूं दोस्तों, तो अंतुल स्कोर भी अच्छा था, 2,90,000 के ऊपर अंतुलु स्कोर आता है। ऑलराइट, टाइम टू हैव सम फन विद Redmi Note 10T 5G। जी हाँ, मल्टीपल वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में मैंने बात किया, तो ये गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है और अलेक्सा को भी करता है। जी हाँ, एंड अलेक्सा के साथ कुछ सही में अच्छे स्किल्स आते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जी हाँ, अनबॉक्सिंग में लिटिल फन, चलिए बात करते हैं थोड़ा अलेक्सा के साथ। अलेक्सा, प्ले माय फेवरेट सॉन्ग। I don't know enough about your taste in music. When you hear music you like, just... ओके, ये हैंड्स फ्री अलेक्सा है दोस्तों, जहां पे आपको कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं करना है, लॉन्ग प्रेस नहीं करना है, सिर्फ बात कीजिए, अलेक्सा कहिए और वो रिस्पॉन्ड करेगी और कुछ भी आप बता पाओगे। कहिए कहिए बाय किशोर कुमार, आशा भोसले एंड राजेश रॉय। मजा आता है मुझे, Amazon Music। इसलिए मैंने कहा कुछ फन एलिमेंट होने वाला है इस अनबॉक्सिंग वीडियो में। अलेक्सा, आई वॉन्ट टू शॉप ऑन Amazon फॉर अ कैमरा। Showing items matching camera on Amazon. जी हाँ, शॉपिंग आप कर सकते हो, इनफैक्ट यू कैन इवन पे बिल्स। अलेक्सा, आई वॉन्ट टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। आई कुडंट फाइंड एनी बिल्स लिंक टू योर अकाउंट। ओके, ओपनिंग Amazon टू रजिस्टर न्यू बिलिंग अकाउंट। गॉट इट, अगर आप Amazon पे जाओगे, Amazon पे के साथ कनेक्ट करोगे आपके बिल्स वगैरह, तो आप सिर्फ बता सकोगे आपके फोन को कि भाई हाँ, ये मेरा बिल पे कर दो। Isn't it great? जी हाँ, अलेक्सा इज इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग अ लॉट। और जब आप, नहीं अलेक्सा आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, तो यू नो इट इज सीरियसली इम्प्रूविंग एंड आई रियली लाइक दैट। स्पेशली फोन का जो इंटीग्रेशन होता है इतनी अच्छी तरह से होगा तो बहुत मजा आता है। तो बेसिकली अलेक्सा इंटीग्रेशन की वजह से दोस्तों, फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह आपके होंगे, सिर्फ आई लाइक दिस कहिए और वो प्ले कर देगा। सो दैट इज देयर, प्ले माय फेवरेट म्यूजिक बेस्ट ऑफ 2019 हिंदी ऑन Amazon म्यूजिक। वेदर फोरकास्ट वगैरह आपको चाहिए, सिर्फ पूछिए आपके फोन से, वो बता देगा आपको। अलेक्सा, व्हाट्स द वेदर इन पुणे? इट्स 27 डिग्री सेल्सियस विद रेन। Tonight, you can expect cloudy skies with a low of 26 degrees. ऑडियो बुक्स वगैरह आपके होंगे तो सिर्फ बताइए कि भाई ये प्ले कीजिए, अलेक्सा ये ऑडियो बुक प्ले करो, वो प्ले कर देगी। सो दैट इज ऑल्सो गुड। अलेक्सा, प्ले ऑडियो बुक। गेटिंग योर सिलेक्शन फ्रॉम ऑडिबल बाय मार्क मैनसन, रेड बाय रॉजर वैंग। और हाँ, एज सिंपल एज कॉलिंग अ कॉन्टैक्ट, अलेक्सा प्लीज कॉल दिस। And she will call. नहीं, अभी मत call करो, but she will call your contacts. दोस्तों चलिए बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर sensors के बारे में बात करूं, सभी sensors आते हैं इसके अंदर। Side mounted fingerprint, physical fingerprint sensor है power button के इधर, जो अच्छी तरह से चलता है। Face unlock भी है, which works quite well. दोस्तों अगर multimedia के बारे में बात करूं, तो IPS LCD screen है, जिसके colors वगैरह decent है, अच्छे दिखते हैं। जो video viewing experience है वो immersive होगा, video viewing angles ठीक ठाक मैं कहूंगा, एंड mono speakers है, down firing दोस्तों, जो loud है, quality भी ठीक ठाक है। ओवरऑल आई विल से डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस विद दिस। सेंसर्स के बारे में दोस्तों एक चीज बताना भूल गया, इसमें 360 डिग्री लाइट सेंसर भी है। इसका मतलब जो आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस है, वो ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग्स है, एम्बियंट जितना लाइट है उस हिसाब से चेंज होता है, तो दैट इज एन एक्स्ट्रा सेंसर एज वेल। दोस्तों वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, इसका मतलब नेटफ्लिक्स पे आप HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे, एंड FHD स्क्रीन है, सो दैट इज गुड। कैमरा टू API का सपोर्ट है, गूगल कैम का पोर्ट आप इस्तेमाल कर पाओगे, FM रेडियो भी आता है इसके अंदर, सो दैट इज गुड। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। चलिए दोस्तों कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। यस, 5G कनेक्टिविटी आती है एंड 5 बैंड का सपोर्ट है। जी हाँ, डायमेंसिटी 700 है, 5 बैंड का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आता है इसके अंदर, डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है। ऑलराइट, फर्स्ट 5G फोन फ्रॉम रेडमी कैसे लगता है? अच्छा है दोस्तों, स्पेशली मुझे वो अलेक्सा का जो इंटीग्रेशन जो मैंने आपको दिखाया वो अच्छा है। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये 5G फोन है, डायमेंसिटी 700 जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है, एंड 18 वॉट चार्जिंग, अच्छी बैटरी साइज, ओवरऑल अ डिसेंट मिड रेंजर। इसकी जो प्राइस आई हुई है दोस्तों वो है 13999 फॉर 4GB 64GB एंड 15999 फॉर 6 120। दोस्तों अगर इस फोन के बारे में, रेडमी नोट 10T 5G के बारे में आपको कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई और भी सवाल है नीचे कमेंट्स, डू दैट राइट नाउ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।